मैं किसी के मौत का जिम्मेदार हूँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। दुकान में जितने लोग हैं उनका टेस्ट करना जरूरी है, लेकिन कस्टमर जब आएगा तो उसका टेस्ट कौन करके देगा? उसके लिए कोई कमी कर रहे हैं। टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 19 जुलाई के बाद से मनपा और व्यापारियों में दुकान खोलने को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब मनपा ने पूरे मुमरा कौसा में मंत्री जितेंद्र भाट की मांग पर P1 P2 के तहत दुकानें खोलने की अनुमति दी है, मगर वहीं साथ ही मनपा ने दुकानदारों को रैपिड टेस्ट करने को भी कहा है। रैपिड टेस्ट अमृत नगर दरगाह के पास आरोग्य केंद्र में होगा, उसमें किया जाएगा। आज मंत्री जितेंद्र आव्हाट ने मुमरा कौसा का दौरा किया और लोगों से अपील की है कि P1 P2 के तहत दुकानें खोलें और एहतियात भी बरतें और सभी दुकानदार अपना रैपिड टेस्ट करवा लें। अगर कोई भी रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो वो छिपाए ना। साथ ही आपको बता दें कि आज अमृत नगर के तरफ की दुकान खुलनी थी, मगर वहीं शादी महल गुलाब पार्क मार्केट की तरफ की दुकानें खुल गई, जिसके बाद मनपा कर्मियों ने दुकानें आकर बंद कराई। दुकानें बंद करवाने को लेकर मनपा कर्मियों और दुकानदारों के बीच में काफ़ी बहस भी हुई। आपको बता दें कि मंत्री जितेंद्र आव्हाट के साथ साथ मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर भी मौजूद थे। मंत्री आव्हाट ने यह भी कहा कि मुमरा में भले ही कोरोना के मामले कम हो गए हों, मगर बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। आप भी जिम्मेदारी समझें और P1 P2 के तहत नियम का पालन करें और दुकानें खोलें। मुमरा कौसा के दुकानदारों से और मुमरा शहर के लोगों से मंत्री जितेंद्र आव्हाट ने क्या अपील की है, सुनिए। नहीं नहीं आज बंद है, ये लाइन सबको टेस्ट करना जरूरी है। दुकान में जितने लोग हैं उनका टेस्ट करना जरूरी है, एंटीजन टेस्ट। इधर अपना शिवाजी नगर आरोग्य केंद्र में करके दे रहे फ्री में, तो आप जाके दुकान वालों ने टेस्ट करके ले लो, सबको बोल दो। सब दुकान वालों से एक इल्तिजा की जा रही है कि अपने शिवाजी मैदान में जो आरोग्य केंद्र है उधर फ्री टेस्ट हो रहा है, आपको कराना है। एंटीजन टेस्ट करना जरूरी है, दुकान वालों को करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कस्टमर जब आएगा तो उसका टेस्ट कौन करके देगा? उसके लिए तो कोई भी कर रहे हैं ना, फ्री में कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए ना, आपको करना है कि नहीं? मुमरा वालों ने सबने अपनी मर्यादा संभाली, इसलिए आज पेशेंट कम है। मुझे इसका पता है कि भूख के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। घर वाले हैं, बीवी है, माँ है, बाप है, घर संसार चलाना पड़ता है। धंधा व्यापार बंद है 4 महीने से, अब कितने दिन बंद रखेंगे? अपने आप को संभाल के धंधा करो। आज मुमरा थाना में सबसे कम पेशेंट मुमरा में आ रहे हैं, मैं तो आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ। लड़ाई इधर ख़त्म नहीं होती है। वो मंजर याद करो जब ईद, रमज़ान ईद के बाद कैसे पेशेंट आए थे और कितने जनों के इंतकाल हुए थे। अब उस भयानक परिस्थिति से हम बाहर आए हैं, तब अपने आप को संभालो। P1 P2 का इशारा मैंने दे दिया है, P1 P2 से धंधा शुरू करो। रस्ते पे किसी 10 हॉकर बैठे और गर्दी नहीं चलेगी। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो ये फिर से एक बार फैल जाएगा और फैलने के बाद फिर जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, वो भी जिम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मैं किसी के मौत का जिम्मेदार हूँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। और इवन जो P1 P2 बोलते हैं उस तरीके से धंधा करो, मैंने बोल दिया है। सब दुकानें शुरू हो जाएगी, सब बाजारें शुरू हो जाएगी, लेकिन हॉकर के ऊपर कुछ ना कुछ मर्यादा लगे। सर, दुकानदार जो उनको कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा गया है, वो जिसको रैपिड टेस्ट बोलते हैं,
जो कुटेरे शिवाजीनगर दो चार जगह पे है, वो रैपिड टेस्ट में तुरंत पता चलता है आपको कोरोना है नहीं है। व्यापारियों से भी करूंगा कि आपके घर वालों के वो सुरक्षित रखने के लिए आप भी करते रहिए, दो दिन में, तीन दिन में, चार दिन में एक बार करेंगे तो आपको भी एक सुकून सा लगेगा, एक मजबूती आएगी अपने आप में कि हम मुझे कुछ डर नहीं। टेस्ट को पैसे नहीं लगते, 45 मिनट रिपोर्ट है तो 45 मिनट में रिपोर्ट आ जाता है। 2500 रुपये से टेस्ट करण्याची गरज नाही, आपण ते रॅपिड केलं तर बघू काय। एक आवाहन करा की जर का त्याच्यात पॉझिटिव्ह आला तर त्याला सेंटरला इमिजिएट आम्ही दाखल करू, और रॅपिड टेस्ट में अगर कोई पॉझिटिव्ह आया तो छुपा मत, तुम्हारी दवाई तुम्हारा सबका इलाज हमारे पास है।